अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ SKEB टोकन की प्राइस प्रेडिक्शन। उसका एग्जैक्टली आपको बताऊँगा कि किस पॉइंट के अंदर अगर आप बाइंग करते हैं तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरी वीडियो जितनी भी शेयर होती हैं वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट लाजमी हो रहा होता है। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें आपको इस टोकन के बारे में बताने वाला हूँ, और काफ़ी मज़े की एक न्यूज़ भी है जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपको इस तरह से अर्निंग करने के लिए। और यहाँ पर अगर आप ट्रेड लगाते हैं तो आपको एक्जैक्टली 100% यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। अभी करंट प्राइस इसकी मैंने ओपन कर लिया हमारे पास कोइन मार्केट कैप के अंदर, आप भी इसी एक्सचेंज के ऊपर ओपन कर सकते हैं इसको। यहाँ पर अगर करंट प्राइस की बात करें तो 0.007121 इसकी करंट प्राइस है। 16% इसके अंदर क्रैश आ चुका है। क्रैश की वजह क्या है ये भी आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर बताता हूँ। एक एक चीज़ हम लोग पॉइंट के साथ डिस्कस करेंगे जो कि एग्जैक्टली एक्यूरेट हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी। ऐसा नहीं कि हम तुक्का लगा रहे होंगे, एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन होगी जो कि इस टोकन को पंप करने में इसकी हेल्प करेगी। तो अगर 24 आवर्स के अंदर लो की बात करें तो 0.00596 आलमोस्ट 0.006 इसका आलमोस्ट 24 आवर्स के अंदर लो रहा है, और हाई की अगर बात करें तो 0.008 इसका हाई रहा है। ये 2 पॉइंट का इजाफा इसके अंदर क्यों हुआ है वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये किन किन एक्सचेंजेस के अंदर ऐड है, तो इसके लिए आपको नीचे मार्केट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। ये एक तो हमारे पास OKX एक्सचेंज के अंदर लिस्ट है जहाँ पर इसकी करंट प्राइस की अगर बात करें 0.007 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, और इसके बाद एक यूनिस्वैप एक छोटी एक्सचेंज है जहाँ पर आप इसको स्वैप कर सकते हैं अपने किसी भी टोकन के साथ, जहाँ पर सबसे पहले आपको वहाँ पर मिलना था ये टोकन, क्योंकि इसकी लॉन्च वहाँ पर किया गया था और उसकी लिस्टिंग भी वहाँ पर हुई थी। उसके बाद इसने OKX के ऊपर लिस्ट हुआ है। ये कब लिस्ट हुआ है ये भी डिटेल आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर अगर SKEB/USDC, यहाँ पर USDC से आप इसको बाय कर सकते थे। यहाँ पर हमारे पास 0.0069 मतलब 1 पॉइंट का इधर कम मतलब प्राइस कम है। तो अब हम ओपन करते हैं, हमारे पास एक एक्सचेंज है हम OKX एक्सचेंज, वहाँ पर इस टोकन का क्या किरदार रहा है वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर क्या कुछ होने वाला है, कौन सी ऐसी न्यूज़ है जिसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसकी प्राइस वगैरह, और आपको बता रहा हूँ कि अगर आप OKX को यूज़ करते हैं तो आप इसको वहाँ पर बाय कर सकते हैं। तो अभी मैं अपना अकाउंट कर लेता हूँ, लॉगिन वेरीफाई कर लेता हूँ फिंगरप्रिंट। तो ये हमारे पास लॉगिन हो गया अकाउंट। उसके बाद आपको आ जाना है इसकी ट्रेड में। अगर OKX का अकाउंट नहीं बना हुआ तो अकाउंट इस तरह के एक्सचेंजेस जो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ अकाउंट वगैरह, तो इनके बनाने लाजमी है, क्योंकि कोई ना कोई टोकन जो है डेली बेस के ऊपर इनके ऊपर लिस्ट होता रहता है, वहाँ पर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हमें मिल सकता है अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो करते जाएँ। तो मेरे पास ट्रेड के अंदर मैंने इसको ऑलरेडी ओपन किया है, इसको मैंने कम्प्लीट रीड किया है इस टोकन को। तो अगर इसके चार्ट की बात करें तो अभी 1, 2 और 3 कैंडल बन चुकी हैं 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर, मतलब 3 दिन पहले ये लिस्ट हुआ है OKX एक्सचेंज के अंदर। अभी जो OKX एक्सचेंज के अंदर लिस्ट हुआ है तो इसकी जो करंट प्राइस थी वो लिस्टिंग प्राइस तो 0.0032 थी, और इसका पंप रहा है 0.01 मतलब 1-0 को इसने किल कर दिया। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहा है, ऑलमोस्ट 3x प्रॉफिट हुआ है इस टोकन से लिस्टिंग प्राइस से। लेकिन आपको ये मिलना था 0.005 के ऊपर, 3 के ऊपर या 6 के ऊपर, तो उससे आप इन्हें आगे नेक्स्ट अपना 2x प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, क्योंकि अगर आपको 0.004 के ऊपर मिलता तो आपका 2x प्रॉफिट होना था 0.01 के ऊपर। लेकिन ये एग्जैक्टली प्राइस ऐसी होती है कि यहाँ पर हम टोकन को सेल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि इसका हाईएस्ट पॉइंट ये रहेगा। तो इससे नीचे जहाँ पर भी आपको प्रॉफिट मिल रहा हो आप इसको वहाँ पर सेल कर सकते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी होती है जो कि क्रिप्टो में यूज़ करना लाजमी होती है। एग्जैक्टली किसी को नहीं पता होता कि किसकी प्राइस कहाँ पर जाएगी और कितना इसमें प्रॉफिट में देना है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट इसके टोकन के बारे में। अभी जो यहाँ पर टोकन हमारे पास कैंडल जो है एक पंप होने के बाद एक इसने रेड कैंडल बनाई है जो कि ऑलमोस्ट इसकी प्राइस को नीचे क्रैश करती हुई दिखाई दी है, लेकिन उसके बाद बायर प्रेशर की वजह से दोबारा ऊपर स्टेबल हो गया। उसके बाद जो उसकी नेक्स्ट डे कैंडल बनी है वो अभी तक बुलिश है, अभी तक ग्रीन है, लेकिन उसका भी काफ़ी पंप रहा है, उसके बाद इसके अंदर काफ़ी क्रैश रहा है। अगर इधर OKX के ऊपर भी बात करें तो ये 16% का क्रैश आ चुका है, क्योंकि इसकी कैंडल 4 आवर्स के अंदर अगर हम ओपन करें तो एग्जैक्टली आपको नज़र आ रहा है कि रेड कैंडल है, और उसके आगे जो कैंडल बन रही है वो भी रेड है, और इससे नीचे आना है। और ये कैंडल जो 2 कैंडल ग्रीन मिली हुई हैं निचले पॉइंट से, यहाँ पर दोबारा इसकी प्राइस आपको दिखाई देगी, तो यहाँ पर आप इसकी बाइंग वगैरह भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और न्यूज़ है, आपने ओपन कर लेना है Gate.io एक्सचेंज। अब इस एक्सचेंज के ऊपर भी इसकी न्यूज़ है वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि यहाँ पर कौन सी न्यूज़ है। अब स्किप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास एक ऐड वगैरह चल रहे होते हैं, तो यहाँ पर आपने आ जाना है, एक स्टार्टअप का ऑप्शन मिल रहा है आपको, यहाँ पर स्टार्टअप के ऊपर क्लिक करना है। स्टार्टअप की बेसिकली मैंने काफ़ी सारे स्टार्टअप्स की वीडियो शेयर की हैं आपके साथ, तो जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे टोकन होते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं का ही स्टार्टअप शेयर करता हूँ आपके साथ, क्योंकि उन टोकन ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना होता है। तो ये स्टार्टअप ओपन हो गया, बेसिकली स्टार्टअप मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। स्टार्टअप की डिटेल भी मैंने बताई हुई है कि यहाँ पर आपको 20 USDT लोकेट करने होते हैं,
और उनके बीस यूएसडीटी के ऊपर आपको टोकन वगैरह दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि कुछ कंट्री ऐसी हैं जहाँ पर ये रिस्ट्रिक्ट लगी हुई है, इनकी मतलब ये ब्लॉक की हुई हैं, तो वहाँ पर आप वीपीएन यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वीपीएन यूज़ करें जिस भी कंट्री के अंदर ये अवेलेबल है, वहाँ का आप वीपीएन यूज़ करके इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास जो है, चेक करें, ये टोकन की काफ़ी पंपिंग रही है। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ डिटेल कि अभी इस टोकन के अंदर कैसे आपको पंप दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये इतने यूएसडीटी इसके अंदर राइस हो चुकी हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट आ चुकी है, इतना परसेंट आप जा चुका है इसकी प्राइस के ऊपर। मतलब एक लाख यूएसडीटी इन्होंने इनका गोल था, लेकिन एक लाख यूएसडीटी से 15,000% ये आप जा चुका है। उसके अलावा ये स्टार्ट भी हो चुका है, यहाँ पर 20 USDT का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पर 20 USDT का ऑर्डर आप प्लेस कर लेंगे, बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर 500 टोकन आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर इसकी स्टार्टअप ख़त्म होगा तो इसकी लिस्टिंग भी होगी, इसलिए मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर किया। अभी आप कोइन मार्केट कैप की कोई भी अच्छी सी प्राइस के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हैं OKX एक्सचेंज के अंदर, या आप gear.io का स्टार्टअप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जाने स्टार्ट हो चुके हैं, तो वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब ये लिस्ट होगा तो डिटेल आपके साथ शेयर कर दूँगा।